हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से बना सकती हैं। ये सब ब्लाउज़ें आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं, बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट की यहाँ पर देखिए, अगर आप कपड़े पर कटिंग कर रही हैं तो नीचे की साइड से आपको एक सीधा निशान ले लेना है, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ से लेना है लंबाई। लंबाई यहाँ पे 13 इंच तैयार करना है, तो 14 इंच रखेंगे, 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे। अब इस दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ पे सीधा निशान ले लेना है। अब यहाँ पे हम रखेंगे अपना शोल्डर, तो शोल्डर रखेंगे यहाँ पर 5.25 इंच, 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 5.25 इंच रखेंगे, और जितना हमने शोल्डर लिया है सेम उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है, 5.25 इंच। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे और इस निशान को आगे की साइड बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की गुलाई लेंगे। आर्म होल की गुलाई हम देंगे 1 इंच की दूरी से, पीछे का गला डीप है तो 1 इंच की दूरी से दे देंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए बैक पार्ट ओपन रखना है, तो पीछे की साइड हम यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे। अगर आप फ्रंट पार्ट ओपन रखना चाहती हैं तो फ्रंट पार्ट भी ओपन रख सकती हैं। अब इसी वाले निशान से हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। 32 इंच है तो चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर 26 इंच है, 26 का चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच। 1 इंच रखेंगे यहाँ पर डॉट के लिए, जो हम पीछे का अपना डॉट लगाएंगे तो 1 इंच लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फ्रंट इसी नाप पे हम अपने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पेंसिल से निशान लगा रहे हैं, आप मेजरमेंट के हिसाब से आप निशान लगाइएगा। इस तरीके से हमें निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे। शोल्डर रखेंगे, शोल्डर लेंगे हम 3 इंच, शोल्डर की जो चौड़ाई होगी 3 इंच होगा, पीछे का गला 9 इंच ओपन होगा तो 9.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे गले का फैलाव जो है वो हम आगे की साइड से 3.5 इंच रखेंगे। आगे की साइड से 3.5 इंच लेना है और निशान वाले लाइन से 3 इंच लेना है। इस तरीके से गले का फैलाव दे देंगे। गले पे डोरी अटैच करना है और गला डिज़ाइन वाला है तो इस तरीके से फैलाव देंगे। अगर आप नॉर्मल गला बनाना चाहती हैं तो गले का फैलाव 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक रख सकती हैं, इससे ज़्यादा आप गले का फैलाव ना रखिए। यहाँ पे हम एक मटके गले का शेप दे देंगे, आप कोई सा भी डिज़ाइन इसमें कर सकती हैं। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे, तो डॉट पॉइंट लगाएंगे 9.5 इंच पे और आगे की साइड से 4 इंच की दूरी ले लेना है। इस दूरी को गले के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इस निशान को सीधा कर लेंगे। 1 इंच जो हमने बढ़ाया है वो दोनों साइड में 1/2 इंच का डॉट ले लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, गला डीप है तो हमें अपर चेस्ट की फिटिंग दे देनी है। हल्का सा यहाँ पर 1/4 इंच के बराबर से फिटिंग दे देंगे और यहाँ से हम 2 पॉइंट के बराबर शोल्डर को भी गले की साइड डाउन कर देंगे। इससे जो हमारा गला है वो काफ़ी अच्छी फिटिंग से आएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर और आर्म होल हमारा निशान सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमें अंदर की साइड 1/2 इंच आर्म होल को डाउन कर लेना है गहराई के लिए। 1 इंच की दूरी से गुलाई देंगे पीछे वाली लाइन से और इस निशान को भी यहाँ से गोल शेप में मिलाते हुए मिला देंगे। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ से देखिए, आगे की साइड से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट 32 इंच है तो चौथा भाग 8 इंच रखेंगे। कमर का भी यहाँ पे देखिए 8 इंच रखेंगे। जितना हमारा ऊपर की साइड रहेगा सेम उतना ही हमें नीचे की साइड भी लेना है और इस निशान को सीधा ले लेना है। यहाँ पर अपना सिलाई मार्जिन रख लेंगे, जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा है 1.5 इंच 2 इंच उतना आपको मार्जिन ले लेना है। यहाँ से देखिए, अब शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है तो 3 इंच रखेंगे। आगे का गला यहाँ पे देखिए हम 5 इंच रखेंगे। गला हमारा आगे किसे डिज़ाइन वाला तैयार होगा तो 5 इंच रखेंगे और यहाँ से 6.5 इंच रखेंगे। आगे की साइड से 6.5 इंच और यहाँ से 5 इंच।
अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम हल्को हल्का सा इस तरीके से वी शेप में दे देंगे। आप यहाँ पे पान गला भी बना सकती हैं, हल्का सा इसको ऊपर से भी हम इस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम अपना आर्म होल की साइड से यहाँ से देखिए यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल की साइड से 2 इंच रखना है, साइड से जो है वो हम यहाँ पे 2.25 इंच रखेंगे। जब ये गुलाई देंगे तो फ्रेंड यहाँ पे 2.25 इंच आएगा, यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं, लेकिन गुलाई लेते हुए अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा तो ये मैनेज कर लिया जाएगा। थोड़ा सा अगर गुलाई हमारा 2.25 इंच तक आता है तो इसको हम गोल शेप में ही लेंगे। अब नीचे की साइड से हम यहाँ पे 2 इंच पे ऊपर की साइड एक निशान लगा देंगे। तो नीचे की साइड से 2 इंच ऊपर लेना है और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हम इन सभी निशानों को मिलाते हुए गोल शेप में यहाँ पे गुलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें गुलाई ले लेनी है। अब यहाँ से हम अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए डॉट पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ पे हमारा जो भी बॉडी नाप से आएगा उससे हमें 1/2 इंच झुका के लेना है। तो यहाँ पे हमारा बॉडी नाप से 9 इंच पे है तो यहाँ पे 9.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच झुका 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे जो हमारा शोल्डर का सिलाई मार्जिन होगा। आगे की साइड से यहाँ से 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच की दूरी लेना है। अब इस निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए अपने कमर का नाप लेना है, कमर 26 इंच है तो 26 का चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच, और यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा आएगा उसका हम डॉट लगाएंगे। तो यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो 1.25 इंच इस साइड से और 1.25 इंच इस साइड से, यानी टोटल हम यहाँ पे 1.5 इंच का डॉट ले लेंगे और इस निशान को यहाँ से इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। इस वाले डॉट से आपको यहाँ पे गुलाई को हल्का सा थोड़ा सा आप घुमा लीजिएगा, डॉट के पास से ही गुलाई को देना है। अब इस निशान को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, इसको हम हल्का सा छांट लेंगे जब कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे भी हम अपर चेस्ट की फिटिंग दे देंगे, 2 पॉइंट के बराबर यहाँ पे फिटिंग दे देनी है 1/2 इंच के बराबर, और आर्म होल को भी गले की साइड हल्का सा डाउन कर देना है, बिल्कुल हल्का सा डाउन करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना है। तो इस तरीके से ये हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फिर अपनी कटोरी को कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करना है वो भी बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस कटिंग को 34 इंच साइज़ में देखना चाहती हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप देखना चाहती हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं। फ्रेंड्स बाजू की कटिंग किस तरीके से करना है आर्म होल और शोल्डर के हिसाब से हर साइज़ के लिए, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप सिलाई करती हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस साइज़ में किस तरीके से बाजू की कटिंग करनी है, कितना आपको आर्म होल डाउन करना है, सब कुछ उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेती हैं तो आप किसी भी साइज़ का जो बाजू है उसको आप आसानी से कटिंग कर सकती हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब्यसाची ब्लाउज़ का लिंक, गले पे तुरपाई पट्टी लगाने का लिंक, इन सभी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए बेल्ट से हम ये जो हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है उसको हम कट करके यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पे सेलो टेप से सेट कर देंगे। यहाँ से जो भी हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है और यहाँ से इस पेपर को यहाँ पर सेट कर देना है। तो इस तरीके से जो हमारा बेल्ट है वो हमारा कमर का साइज़ का आ जाएगा, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको हम हल्का सा छांट लेंगे, इस तरीके से हमें छांट देना है।
तो ये हमारा साइड का जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ से हम आपको कमर का मेजर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारे कमर का चौथा भाग यहाँ पे आ गया है 6.5 इंच। तो इस तरीके से ये हमारा निशान लग गया है। इसमें हम सिलाई मार्जिन किस तरीके से लेंगे वो भी हम बताएंगे। पहले अपनी कटोरी को यहाँ पे समझेंगे। तो कटोरी से देखिए इस डॉट को हमें कट करके अलग कर देना है और हम अपने कपड़े पे इसको कट करेंगे। तो डॉट को हमने कट करके अलग कर दिया है और डॉट को ऊपर की साइड से थोड़ा सा हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमें डॉट से यहाँ पे कटोरी को कट कर लेना है। कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है लंबाई की साइड से इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमें इस कटोरी को जब निकालना है तो उरेबी साइड से आपको निकालना है। कोशिश करिए आप इसे उरेबी साइड से निकालिए, इससे आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। इस तरीके से देखिए बराबर से सेट करना है और इस जो डॉट को हमने थोड़ा सा ऊपर से कट किया है इसको हल्का सा इस तरीके से फैलाते हुए हम यहाँ पे इसका शेप लेंगे। इसको हल्का सा इस तरीके से फैलाते हुए दबा लेना है। ज़्यादा इसको नहीं फैलाना है क्योंकि साइज़ छोटा है। अगर बड़ी साइज़ का होता तो यहाँ पे ज़्यादा फैला के लेते। और हल्का सा इसको बढ़ाते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। थोड़ा सा बढ़ाते हुए ही फैब्रिक को लेना है। इस साइड से भी हल्का सा इसको फैला देंगे और यहाँ से इसको निशान लगा देंगे। दोनों साइड से हल्का सा इसको फैला के हमें निशान लगाना है। इस तरीके से डॉट हमारा जब फैलेगा तो इस निशान को भी यहाँ पे हम ले लेंगे। इसको हम यहाँ पे गोल शेप में इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हमें डॉट लगाना है तो डॉट का हम निशान लगा देंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से डॉट लगाना है। अब इस पार्ट को इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। यहीं तक हमें डॉट लगाना है। अब इस डॉट को देखिए यहाँ से हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। ये हमारा डॉट यहाँ पे आधा इंच बढ़ के आ जाएगा तो इससे हमारी जो कटोरी है वो बहुत ही फिटिंग से आएगी। अब इस साइड में हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जिस साइड में हमारा ये बेल्ट के साथ अटैच होगा। यहाँ से हमें आधा इंच का इस पर सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरीके से कटिंग करना है। इस साइड से इस तरीके से सिलाई मार्जिन लेना है। आगे की साइड हमें सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। इस तरीके से देखिए तो ये हमारा जो फैब्रिक बढ़ के आ गया है आधा इंच के बराबर। इससे हमारे डॉट जब हम लगाएंगे और ब्लाउज़ बनाएंगे तो ये इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अब यहाँ से देखिए इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे रखेंगे। सिर्फ हम आपको यहाँ पे निशान लगा के आइडिया बता रहे हैं, यहाँ पे हम कपड़े की कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से सेट करना है और जहाँ से ये हमारी कटोरी अटैच होगी वहीं से हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है इस तरीके से। फ्रेंड अगर आप इस वीडियो का आप लोग का काफ़ी कमेंट आया, ज़्यादा अगर कमेंट आएगा सिलाई के लिए तो हम इसकी सिलाई भी ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन बेल्ट में लेना है। बाकी सभी साइडों से हमें सेम कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग के साथ। नमस्कार।